एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो है, तो देख रहे हैं कि ये जो निशान है ना यहाँ पे, कहते हैं कि बफिंग से जाते हैं, बट एक सस्ता जुगाड़ है मेरे पास भी। देख सकते हो ये निशान जो है, शाइन डलनेस है, तो मेरे पास एक सस्ता जुगाड़ है। ये कोई चूना वूना नहीं है, ये है निकल पाउडर। किसी बंदे ने यूट्यूब पे लिखा था निकल पाउडर, तो निकल पाउडर है। तो ये देखते हैं कि 10 रुपये में ये कितना काम कर सकता है, इस पर बफिंग वाला मतलब शाइन थोड़ी सी ला सकता है कि नहीं ला सकता। तो आज यही ट्राई करना है, अगर अच्छा निकल आया आउटपुट तो बता दूंगा, नहीं तो भाई मैंने बहुत वीडियोस देखे कि 10 रुपये में अपनी बाइक चमकाओ। तो आज ही हम ये वाली वीडियो ट्राई करने जा रहे हैं। तो जैसा जैसा प्रोसेस है मैं सब समझा दूंगा कि मैंने कैसे देखा लोगों का, और ये सच में करता है कि नहीं करता काम, कि नहीं यार नहीं आपके 10 रुपये बर्बाद है। ठीक है, चल करते हैं। तो आपको जो निकल पाउडर है ये 10 रुपये का आता है, किसी भी हार्डवेयर की शॉप से या किसी बाइक की शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने तो इतना निकाला है कि मेरे को ट्राई करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको पानी डालना है। पानी कैसे डालो, और उसको ऐसे दूध की मतलब दूध वाली जो क्वालिटी होती है ना, थिकनेस, उससे थोड़ा सा गाढ़ा रखना बस। ठीक है, मैं करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। कपड़ों से थोड़ा दूर बचा के भाई, और ये थिकनेस देख सकते हो उसकी क्या है, ये ऐसे लिख लेते हैं। तो आ जाओ, अब देखो अब मैं कर तो रहा हूँ, अब मुझे पहले हम ट्राई करेंगे हमारे ये वाला एरिया देख लो पहले कैसा है। ठीक है, स्टेन्स है बहुत सारे, और जितना हमारा चिप ऑफ था वो हमने कर दिया। अब इसको आप कैसे लगाना है, ठीक है, मैंने भी कहीं से देखा है तो कर रहा हूँ मैं। और इसको आप थोड़ा सा लेट इट ड्राई, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, जुकाम बहुत हो रहा है। इंडिकेटर के पास लगा रहे हैं, तो इंडिकेटर का रिजल्ट देख ही लेंगे साथ साथ। अब ये ड्राई हो चुका है, और अब इसको क्या करना है, ये ऐसा सूती क्या कहते हैं इसको, कॉटन कपड़ा है ना, कॉटन कपड़ा लिया हमने, तो एक दो लेयर बांध के अच्छे सा बफिंग टाइप का बनाया। अब इसको हमें रब करना है, स्लीव्स ऊपर करके और जय माता दी नाम लेके करना स्टार्ट कर दो। देखो किसी को दिखे ना दिखे, मेरे को तो दिख रहा है कि आउटपुट निकल रहा है। तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वहां किया था, तो वो रिजल्ट अपने आप में अच्छा निकल गया है, स्माइल से देख सकते हो शाइन वो कर गया। अच्छा एक बार ये देखो शाइन कितनी प्यारी आई है भाई, मिरर फिनिश आ गई है, और ये कंडीशन ऐसी थी जैसे बैंड पाइप की है, देख सकते हो ये रहा बैंड पाइप देखो, और ऐसी कंडीशन हो गई है इसकी मिरर फिनिश। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं, ये वाला हमारा क्या रहता है, इसकी कंडीशन दिखा दो, ऐसी कंडीशन है अभी, इसकी कंडीशन हमने लगाई थी तो ऐसी थी, अब ये अब कैसी होती है। क्या लगता है आपको, चमक की बाहर आ गया है। अब बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हो भाई साहब, कैमरा दिख फोन दिख रहा है इसमें, है ना, यहाँ मिरर फिनिश नहीं है, यहाँ मिरर फिनिश आ रही है। अब मेन हमारा यहाँ पे एक बार दिखाऊं अगर मैं आपको पास से क्लोजली, तो ये वाले जो निशान है ड्रॉपलेट्स के, ये रिमूव करने की कोशिश करते हैं, अगर ये रिमूव हो जाता है तो सच में ये प्रोडक्ट अच्छा है। और इसको हम थोड़ा सा मिला के, और इसको ड्राई करना है,
पानी का ऐसा कोई वो नहीं है कि पानी इसलिए लगाया जाता है, पानी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो स्टिक हो सके, क्योंकि आप ड्राई में ना गिरता बहुत है, ऐसे में स्टिक हो जाएगा ये। तो हमारा इंजन बहुत गर्म है इसलिए आराम से लग रहा है, तो इसको ड्राई होने देते हैं एक बार। और धुआं देख सकते हो भाई क्या हो रहा है, मगर मैंने अम्मा जी का दोबारा ख़राब कर दिया। तो अब हम लोग इंजन की और ट्राई करते हैं। अच्छा अकड़ पकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, मगर हम यहाँ से करेंगे, मेरी मर्जी, मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट के निशान थे, तो उसको लेंगे हल्का सा स्ट्रॉन्ग। और ये मुझे नहीं लगता इससे निशान गायब होंगे, मगर एक अच्छी सी देखो भाई, मुझे तो कुछ खास डिफरेंस समझ आ नहीं रहा है। तो हमने फिर से एक और बार ना, मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल है ये वाला, और इन्होंने कराया ये। अब देखेंगे इसमें कितना डिफरेंस समझ आता है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ खास डिफरेंस दिख नहीं रहा है। ये देखो, इनको लग रहा है डिफरेंस है। इतना तो नॉर्मल अगर हम पानी से भी करते हैं तो आई थिंक इतनी शाइन तो मिल जाती है। अब एक्चुअल क्या है वो ये देखते हैं, वरना एक और ऑप्शन है, हम एक पोर्शन पूरा ये करके देखेंगे और दूसरी वाली जो साइड है वहाँ पर हम पानी से करके देखेंगे, और फिर हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। तो साफ करते हैं और देखते हैं कितना डिफरेंस निकलता है। आ जाओ ब्रो। क्या लगता है मानसू कि ये वर्थ इट है कि हमें बफिंग ही करानी चाहिए? भाई देखो, बफिंग तो करानी है, ये अल्टरनेट है। अब रिजल्ट इसका देख लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा इसने पे ही। तो ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला ठीक है, और ये है। चलो देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है इसका। तो ये देखो, ये है आफ्टर और ये है बिफोर। मुझे दोनों ही सेम लग रहे हैं। अब तुम्हारे क्या रिएक्शन है? बेकार है ये, मेहनत करना बेकार है इस पे। इससे अच्छा आप पानी से वॉश कर लो, वो ज्यादा बेटर। मगर हाँ, ये चीज है कि निकल पाउडर जो होता है वो क्रोम को मेंटेन करने के लिए होता है। तो आपकी गाड़ी में अगर क्रोम पार्ट्स हैं तो हाँ, ये कर सकते हो आपकी वॉशिंग के बाद निकल पाउडर लेके, और जो क्रोम पार्ट्स हैं आपके उसको बफिंग कर सकते हो, तो उसकी जो शाइन है वो मेंटेन रहती है। बट आप ये सोचो कि आप इससे 10 रुपये के जुगाड़ के अंदर आप 1600 में बचा लोगे, तो नहीं है। बस अब मुझे बाइक धोनी पड़ेगी पूरी। तो देखो, निकल पाउडर से तो कुछ नहीं हुआ, गाड़ी और गंदी हो गई थोड़ी सी मेरी। क्लीन मतलब क्रोम वाला हिसाब जो है वो उतना ही आ रहा है, और मुझे गाड़ी उल्टी धोनी पड़ रही है। तो गाड़ी लगा ली है, ये रहा हमारा नोजल। अब इसको वॉश करते हैं, और वॉशिंग के शॉट देखो, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ बताएंगे। तो हमने सोप उप लगा लिए, क्लीन कर दिए। अच्छा, जो हमने निकल पाउडर से क्लीन किया था वो एरिया भी सेम ही दिख रहा है जो हमने ये निकल वाला एरिया का। ब्रेकफास्ट फाइनल।